वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरी सवारी चली है फरक्का की ओर। जी हाँ, आज मैं जा रही हूँ फरक्का डैम घूमने विथ माय हस्बैंड बाय माय बाइक। पाकुर टू फरक्का डिस्टेंस बिटवीन 26 किलोमीटर यानी 45-60 मिनट्स की राइड है हमारी। तो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ जब मैं धुलियान जा रही थी, क्योंकि पाकुर टू धुलियान और फरक्का का सेम ही रूट है। तो चलिए, तो मैं जब धुलियान जा रही थी तो आप लोगों को ये ब्रिज मैंने दिखाया था। अब मैं वापस से आपको ये ब्रिज बता रही हूँ कि ये गंगा जी पे बना हुआ एक ब्रिज है, और वो जो उधर दूर से जो पानी आ रही है फरक्का से आ रही है, तो यानी हमें बिल्कुल वहाँ तक जाना है जहाँ से ये पानी आ रही है, यानी कि बिल्कुल बॉटम में जाना है। तो मैं आपको दूसरे साइड दिखा रही हूँ, जो फरक्का से गंगा जी आ रही है ये दूसरी तरफ बिहार के साइड जा रही हैं। ये देखिए, तो हम लोग डाक बंगला पहुँच चुके हैं। पता नहीं क्यों इसे डाक बंगला कहते हैं, यहाँ पर कोई बंगला उंगला है नहीं, पर पता नहीं इसे डाक बंगला ही कहते हैं। तो ग्रीन बोर्ड में यहाँ कुछ लिखा है जो शायद हमें हेल्प करे फरक्का के डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ से फरक्का 24 किलोमीटर है। ओके, तो रोड के दूसरे साइड धुलियान है और हमें यहाँ से स्टेट जाना होगा, बट उससे पहले किसी से पूछना पड़ेगा शायद, देखते हैं। फरक्का जाना था। ओके, स्टेट बता रहे हैं। तो यहाँ से हमें स्टेट जाना होगा, और रोड देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे सीट बेल्ट बांध लेना होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड फुल स्पीड में बाइक चलाने वाले हैं। तो मैं रेडी हो जाती हूँ। तो हमारी बाइक फुल स्पीड में है, आप इसका साउंड सुनिए। ऐसा लग रहा है जैसे धूम 4 की शूटिंग हो रही है और हम लोग कोई रॉबरी करके भाग रहे हैं। तो मुझे बहुत स्पीड पसंद नहीं है, बट अगर मैं हस्बैंड को बोलूँगी स्लो चलने के लिए तो वो और स्पीड कर देंगे, इसीलिए मैं चुप से बैठे रहती हूँ, बट मज़ा भी बहुत आता है। वाह, ये रेलवे लाइन कितने पास में है, कोई भी इजली यहाँ तक पहुँच सकता है, बट पता नहीं क्यों मुझे ये सेफ़ नहीं लग रहा। इतनी पास में नहीं होना चाहिए, कोई सेफ्टी नहीं है। मुझे लगता है कोई इसका म्यूज़ यूज़ ना कर ले, क्या पता कोई कर भी ले, जो भी। बट यहाँ से कोई अभी ट्रेन गुजर रही होती तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ही हम लोग फरक्का पहुंचने वाले हैं, और वो देखिए हमें ग्रीन बोर्ड भी शो कर रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या लिखा हुआ है। फरक्का NTPC। समझ में आया, किसी और को पूछो। तो हम लोग न्यू फरक्का रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमें आगे का रास्ता नहीं पता है, तो हमें पूछना पड़ रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के लोग सभी बंगाली बोलते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, फिर से पूछना हो। तो हम लोग सही डायरेक्शन पे हैं क्योंकि हमें गंगा जी दिखाई दे रही हैं, तो बस अब इसी के स्टेट चले जाना है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल के गंगा नदी पर बना एक बैराज है जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पे है। ये कोलकाता
पॉट को स्लाइड मुक्त बनाने के लिए बनाया गया था। ये 1972 में बना है और इसका लेंथ है 2304 m। तो ये देखिए, एक साइड रेलवे लाइन है और एक साइड गंगा जी। वाह। तो ये देखिए, सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा और धुंधला जैसा, और दूर वहाँ पर कोई सिप नज़र आ रही है, काफ़ी दूर है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, पर इतना धुंधला दिख रहा है, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रही है। तो ये ब्रिज है और यहाँ से रेलवे लाइन भी है और रोड भी है। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। रूल्स तो मैं इतना फॉलो करती हूँ कि पूछिए ही मत। अब लिखा है तो मैं फ़ोटो लूँगी ही नहीं, बट आप ये देखिए। तो हमें इसी पॉइंट तक आना था और हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोग को याद होगा जो मैंने ब्रिज दिखाया था, ये गंगा जी वही ब्रिज तक जा रही हैं, ये देखिए। तो आप साउंड सुनिए, क्या गजब का साउंड आ रहा है। इसे बस देखते ही रहने का दिल कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, ये देखिए। वाह, यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट यहाँ रुकना मना है, इसलिए हम लोग स्लोली स्लोली यहाँ से निकल ले रहे हैं। दूसरी साइड तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ भी दिख ही नहीं रहा। आप लोग खुद ही देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस वाइट वाइट नज़र आ रहा है। वाह, ये कोई बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और सभी एक लाइन से बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बोट लगे हुए हैं, एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए इनका यूज़ होता होगा, और यहाँ कुछ लोग नहा भी रहे हैं, तो आप भी यहाँ नहा सकते हैं। ये देखिए, ये कोई बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, काफ़ी पुराना लग रहा है, तकरीबन 500 साल पुराना पेड़ है।
मुझे नहीं मालूम ये कितना पुराना है, पर बहुत डरावना लग रहा है। ओ माय गॉड। और ये उसका फ्रेंड बरगद का पेड़ है, तो ये दोनों आपस में बातें करते रहते होंगे आई थिंक। तो मुझे इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। भागो। तो ये है ऑफिसर गेस्ट हाउस। ओके, क्या लग रहा है। तो हम लोगों ने आज पूरा दिन यहीं बिता दिया, इधर से उधर, उधर से इधर, बस बहुत घूमा हम लोगों ने और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। तो अब मैं आपको फरक्का बैरेज अच्छे से दिखाने वाली हूँ। उस साइड तो बिल्कुल धुंधला ही नज़र आ रहा है, बस पानी ही पानी नज़र आ रही है और क्लियर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ से पिक्चर बहुत अच्छी आती है, तो लोग यहाँ पर से वीडियो बनाते हैं। ये देखिए अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, और उसी ब्रिज से ट्रेन और गाड़ियाँ सभी क्रॉस करती हैं। आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा कि कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं। थोड़ी करीब से जूम करती हूँ मैं, दिख रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब मेरा तो दिल कर रहा है यहीं पर बैठकर बस ऐसे देखती रहो, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे से एकदम शांत, मन शांत हो जाएगा अगर आप भी यहाँ आएंगे तो। तो यहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, इवन रुकना भी अलाउ नहीं है, फ़ोटो तो दूर की बात है। चल, तो हमें फ़ोटो लेने से मना किया जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो अब निकल ही चलते हैं। तो हम लोग निकल आए। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। थैंक्स। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिश कड़ी खाने के लिए। तो हम लोगों ने खाने में देर कर दिया, इसलिए हम लोग बारिश में फंस चुके हैं। तो जब भी आप लोग फरक्का आइए तो गंगा जी में डुबकी ज़रूर लगाइए, अगर नहीं लगाएंगे तो बारिश आपका ये हाल करेगी जो हम लोग का कर रही है। तो हम लोग भींगते हुए घर जा रहे हैं और बारिश का मज़ा ले रहे हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।